वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को अपना प्योर मटका ट्यूटोरियल दूंगी। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाना है, तो मुझे नहीं पता ये क्या कैसा बनेगा। ये आप खुद ही देखें, ये पहले इसके अंदर ना बारिश के पानी की वजह से ये सॉफ्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हम लोग बनाएंगे, और आप दुआ करना कि ये हमारा टेक्सचर बहुत अच्छा सा बन जाए। ये देखो अभी तो ये नहीं ना टूट रहा, ये बनाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा सीमर डालना है, तो ये बहुत अच्छा सा हो जाना है, ठीक है। कितना सॉफ्ट हो हुआ बगैर सीमर के, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा सॉफ्ट सा है, ठीक है। और इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है ना, बहुत ही अच्छी आ रही है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे। ये सारा इतना सारा है हमारे पास, मामा मेरे साथ करवा रही हैं, तो अब देखना वो डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, ठीक है, ये ना गीला हुआ है बारिश के पानी की वजह से, तो देखिए कलर कितना प्यारा है प्योर मड का। धूप की वजह से ना ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि सीधी धूप आ रही है, टाइम दरअसल फुल धूप का है। हमने कहा चलो इसको सिर्फ भिगो के रख देते हैं। वाह, इतनी प्यारी खुशबू है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे, मज़े की, दिल कर रहा है इसको खा लूँ, ठीक है। तो लेट्स सी क्या करते हैं। ये देखेंगे इस टब के अंदर अब डालेंगे हम लोग, फ्रेंड्स एक ही बार मिट्टी ले आए हैं सारी, और अब इसको हम कोशिश करेंगे कि ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। ये मेल्ट हो रही है, अब हम कुछ देर इसको भिगोने के लिए रख देते हैं, और फिर शाम को आएंगे और देखेंगे अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, फिर इसका बाकी प्रोसीजर हम लोग करेंगे, ठीक है ना।